पंचक्रोशी मार्ग के दोनों ओर 50 फीट तक के दायरे में बने भवनों निर्माण को ध्वस्तीकरण की नोटिस से क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। भारत माता की जय। रविवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भीमचंडी स्थित हनुमान धर्मशाला में नोटिस पाने वाले दर्जनों गांव के सैकड़ों भूस्वामियों ने सभा करके जोरदार प्रदर्शन कर विरोध किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वह कई पीढ़ियों से पंचक्रोशी मार्ग लगायत मकान बनवा रहते आए हैं। PWD के तुगल की फरमान में जिस काले कानून का हवाला दिया गया है उसके पहले के उनके मकान बने हैं। इस पूरे मामले को PM मोदी एवं CM योगी तक ले जाएंगे और निरकुंज हो चुके जन प्रतिनिधियों को जन दबाव बनाकर नोटिस वापस कराने की मांग करेंगे। ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया तो वह बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और किसी कीमत पर अपने भवन निर्माण नहीं हटाएंगे। सभा के पश्चात सभी ग्रामीण एकजुट होकर सामाजिक कार्यकर्ताओं राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में पंचक्रोशी मार्ग पर पैदल मार्च करते हुए यह जमीन हमारी आपकी है नहीं किसी के बाप की है, तुगल की फरमान वापस लो, हिटलर शाही नहीं चलेगी आदि जबरदस्त नारेबाजी करते हुए आदि शक्ति माता भीमचंडी के ओ, 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 भारत माता की जय। चंडी माँ की जय। जमीन हमारी है चौकट पर पहुंचकर सभी ने माँ से प्रार्थना करके इन आततायियों दुष्ट भ्रष्ट आदि आसुरी ताकतों से मुक्ति की याचना करते हुए माँ की पूजा कर आरती उतारी। सभा करके ग्रामीणों ने सवाल उठाए, उनके मकान पैतृक है, दूसरे कई मकान इस काले कानून पहले के बने हैं, वही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 213 के तहत जमीन अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। एक देश में भू अर्जन के दो कानून कैसे चल रहे हैं? रोड लैंड कंट्रोल एक्ट काला कानून रद्द करते हुए इस तुगल के फैसले का क्या औचित्य है? सभा में तय हुआ कि जिला अधिकारी मंडलायुक्त CM PM को आपत्ति किया जाएगा, उनसे समाधान न होने पर कोर्ट की शरण ली जाएगी। ओ, 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 ओ। आज रथ यात्रा का पावन अवसर है भगवान जगन्नाथ। आज हमारे राजा तालाब में और जगह जगह धार्मिक स्थलों पे विराजे हैं। आज बाबा जगन्नाथ जी का असीम अनुकंपा आशीर्वाद के हम आकांक्षी हैं।
देखिए जहाँ देवी वास करती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। देवी के मंदिर में, माँ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी हमारा कल्याण करें, हमारे घर जमीन हमारे परिवार को सुरक्षित करें। बाबा माँ अंदर से हमारी प्रार्थना है, माँ अपना जलवा दिखा दो, यहाँ के ताइयों को मिटा दो, इन दुष्टों पापियों को इनके रास्ता दिखा दो, माँ हमें हमारे जन्म बता सुरक्षित कर दो। माँ भीमचंडी से हमारी प्रार्थना है कि हमारी माँ बहने अब तो सुरक्षित इन सरकारों के हाथों में नहीं है, हमारे घर मकान टूट जाएंगे तो और हमारी बहनों की सुरक्षा पर संकट खड़ा हो जाएगा। अब हम आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है माँ, हम अपनी माँ बहनों बेटियों की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं और अपने मकान जमीन की बचाने की प्रार्थना कर रहे हैं। माँ हमारी याचना हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगी। हम आपके पुत्र हैं, हम लायक हैं या नालायक हैं, लेकिन है हम आप ही के पुत्र। आप हमें सदबुद्धि दें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। माँ तुम्हारे चौखट पर हम आए हैं चलकर, दर दर के ठोकरे खाकर। माँ अगर हमारा घर मकान टूट जाएगा हम सड़क पे आ जाएंगे तो कल सब यही कहेंगे भीमचंडी माँ के गोद में पलने वाले सदियों से जीने वाले आप सड़क पे आ गए हैं। माँ हमारी कृपा हम अपनी कृपा दर्शाओ, हम लोगों का कल्याण करो। माँ जय माता दी।